दोस्तों नमस्कार, पीके मौज मस्ती चैनल पर मैं पीके श्रीवास्तव आप लोगों को यूट्यूब चैनल की ओर से सुस्वागत से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों तो आज का जो सेशन बहुत धमाकेदार बवाल होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का जो सेशन है दोस्तों रीजनिंग पार्ट 48 यानी रीजनिंग पार्ट 48 का टॉप 5 क्वेश्चन मैं आप लोगों को समक्ष प्रोवाइड कराने वाले हूँ। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, मैं उन्हीं क्वेश्चनों को आप लोगों को समक्ष प्रस्तुत करता हूँ जो रेलवे ग्रुप डी यानी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटिव क्वेश्चन होते हैं, और जो प्रीवियस पेपर होते हैं उन्हीं से रिलेटिव मैं क्वेश्चन आप लोग समक्ष प्रोवाइड करवाता हूं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि उस संख्या समूह को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। क्या कर रहा है कि उस संख्या समूह को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। ठीक है, देखिए दोस्तों कि यहाँ पर 13 को 40 कैसे लिखा है, 15 को 46 कैसे लिखा है, 7 को 20 कैसे लिखा है, और 9 को 28 कैसे लिखा है। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन समझिए कि जो अन्य से भिन्न है यानी 3 एक दशा दिखाई देगा और एक अलग दिखाई देगा, तो उसको आपको चुनना है जो अलग दिखाई देगा उसको, और उसी को टिक मारना है, क्योंकि क्वेश्चन हमको वही पूछ रहा है कि जो अन्य से भिन्न हो यानी 3 तो एक जैसा होगा और एक जो है ना दोस्तों वो तीनों से अलग होगा। दोस्तों देखिए 13 को इसने क्या किया है, 3 से गुना कर दिया था, 13 तिया कितना हुआ 39। ठीक है, 13 तिया कितना हुआ 39, अपर इसे में एक कर दिया था कितना हुआ दोस्तों 40। देखिए यहाँ पर 40 लिखा हुआ है। 15 किसने क्या किया दोस्तों, 15 को 3 से गुना कर दिया था कितना हुआ 15 तिया 45, अब प्लस एक कर दिया कितना हुआ दोस्तों 46। देखिए 46 दिया हुआ है। तीसरा देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, तीसरा देखिए क्या कर रहा है, जिस तरह से इन दोनों को बनाए उसी तरह से तीसरा का भी बनाएंगे सी का। देखिए तो 7 × 3 कर देंगे तो कितना होगा 7 × 3 = 1 कैसा प्लस 1 कितना होगा दोस्तों 22, लेकिन यहाँ पर दिया है कितना दोस्तों 20। इसका मतलब है कि मेरा कंडीशन सही पकड़ा गया कि ये और ये तीनों कंडीशन सही है और ये गलत है दोस्तों, ये सबसे अलग होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अब कहेंगे सर हम समझाने, तो दोस्तों 3 से अगर 7 को गुना करेंगे तो कितना होगा 21 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 22, लेकिन यहाँ पर कितना दिया है दोस्तों 20 दिया है। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी को भी मिला लीजिए, 9 को अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 27। ठीक है, 27 में जो है 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों 28। देखिए 28 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि मेरा ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर सही है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग समझ नहीं रहे क्वेश्चन को और मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं आप लोगों को आप जिस हिसाब से समझे मैं उस हिसाब से समझाने की कोशिश करूँगा और आपको जो है समझने की कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। दोस्तों आज का दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों कि वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों से संबंध का सही निरूपित करता है, यानी संबंध वह आरेख आपको से 4 में से चुनना है। ठीक है, 4 में से चुनना है, और कैसे संबंध पौधे और विज्ञानी का संबंध कैसे है और विज्ञानी का पुरुष से संबंध कैसे, उस तरह से संबंध जो है ना आपको वेन आरेख बताना है। तो देखिए दोस्तों आपको कैदा कुछ नहीं करना है, करना क्या है देखिए, पौधा जो है दोस्तों ये देखिए यहाँ पर पौधा दिया हुआ है। ठीक है, ये पौधा जो है विज्ञानी से संबंधित है, कोई रिलेशन है विज्ञानी से नहीं है, विज्ञानिक का पुरुष से संबंध है जी है, कैसे है देखिए मैं बताता हूँ। पुरुष क्या होता है दोस्तों, कुछ पुरुष क्या होता है, पुरुष तो महिला भी होते हैं और पुरुष भी होते हैं, ठीक है दोनों होते हैं, उसमें से क्या होता है कुछ पुरुष जो है पुरुष ही वैज्ञानिक बनते हैं दोस्तों, बनता है कि नहीं बनता है, पुरुष ही जो है दोस्तों वैज्ञानिक बनते हैं, तो इसका तो संबंध इससे है, लेकिन पौधा का तो संबंध इन दोनों से हट के है ना, पौधा अलग है, इसका वेंडग्राम कैसे बनेगा दोस्तों, देखिए इसका वेंडग्राम बनेगा ये हो जाएगा पुरुष का सर्कल। ठीक है, और इसी पुरुष में से जो है ना कुछ पुरुष क्या होते हैं वैज्ञानिक बन जाते हैं दोस्तों, और पौधा जो है दोस्तों पौधा ये अलग हटकर हो जाएगा, क्योंकि सबसे हटकर है ये पौधा। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो है इस तरह से वेंडग्राम किस ऑप्शन में है, इस तरह का वेंडग्राम ऑप्शन नंबर मेरा ये डी करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, दिए गए शब्द
में जितनी बार कोई अक्षर आया है, यानी जितनी बार कोई अक्षर आया है उतनी ही बार अक्षरों का प्रयोग करते हुए दिए गए उत्तर विकल्प में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। यानी देखिए यहाँ पर लिखा है मैनेजमेंट, MANAGEMENT, यानी मैनेजमेंट लिखा है, ठीक है। तो मैनेजमेंट से जो है कौन कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, कौन नहीं बनाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, यम है इसमें, ठीक है, यम ये ऑप्शन में देखिए यम भी है, इसके बाद ये भी है और यन भी है, ठीक है। तो ये मेन, ये तो बनाया जा सकता है, मैनेजमेंट से बन सकता है। इसके बाद चलिए मैनेजमेंट पर, देखिए यम है, यम है, ठीक है। इसके बाद ये है तो ये है, इसके बाद जो है जी है तो जी है, इसके बाद यन है तो ये देखिए यन है, इसके बाद ई है तो ई है, इसके बाद टी है तो टी है, यानी ये भी मैनेजमेंट ये भी बन सकता है। तीसरा देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, तीसरा में देखिए यम है, यम है, इसके बाद ये है तो ये है, इसके बाद यन है तो यन है, इसके बाद जो है दोस्तों ये है, देखिए ये है, इसके बाद जी है तो जी है, इसके बाद ई है तो ई है। इसका मतलब है कि ये तीनों जो है मैनेजमेंट से सही अक्षर बन रहा है, ये और ये, तो जब तीनों बन रहा है तो ऑटोमेटिकली ये चौथा मेरा करेक्ट आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि ये जनरल जो है ना दोस्तों क्या लिखा है, जेंटिल, जेंटिल लिखा है, तो जेंटिल जो है मेरा ये शब्द नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें जो है दोस्तों यल जो है, इसमें जो है मैनेजमेंट में कहीं यल दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब मेरा करेक्ट आंसर डी सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों, आज का ये चौथा क्वेश्चन है, देख दोस्तों देख लीजिए क्या खड़ा है। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी यहाँ पर आपको बताना है मिसिंग नंबर, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी दोस्तों। देखिए तीन जो है और ग्यारह कितना का डिफरेंट है दोस्तों, आठ का। अब जो है ग्यारह और अड़तीस कितना का डिफरेंट है दोस्तों, सत्ताईस का, ठीक है। इसके बाद देखिए अड़तीस और 102 कितना का डिफरेंट है दोस्तों, चौंसठ का, ठीक है। अब यहाँ आपको बताना है संख्या, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये जो आठ है किसका क्यू है दोस्तों, ये दो का क्यू है, और ये जो सत्ताईस है दोस्तों ये किसका क्यू है दोस्तों, ये तीन का क्यू है, और ये चार जो है दोस्तों चौंसठ, ये चार का क्यू है। देखिए दोस्तों यहाँ पर कैसे, ये देखिए दो आ रहा है, दो का क्यू, यहाँ पर तीन का क्यू और यहाँ पर चार का क्यू, तो यहाँ पर किसका क्यू आएगा दोस्तों, क्योंकि संख्या तो पता नहीं है तो क्यू तो पता है। यहाँ पर दो आ रहा है, यहाँ पर तीन आ रहा है, यहाँ पर चार आ रहा है, तो यहाँ पर कितना हो दोस्तों, पाँच का क्यू। तो पाँच का क्यू करेंगे दोस्तों तो कितना होगा, पाँच से पच्चीस, पाँच गुने पाँच, तो पाँच से पच्चीस, पच्चीस पाँच से कितना, 125, ठीक है। और 125 में जो है दोस्तों अगर हम 102 जो है जोड़ देंगे, तो 125 में 102 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 227, ठीक है, 227। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, 227 ऑप्शन नंबर मेरा ये बी करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर भी प्रमाणित होना चाहिए कि 443 आएगा तभी तो हम समझेंगे ना मेरा क्वेश्चन सही है। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है देखिए, अब देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है दोस्तों, 227 आ रहा है, ठीक है, 227 आ रहा है ना। इसको क्या कीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 227 जो आ रहा है दोस्तों, तो अब आप इसको क्या कीजिए, तो ये तो पाँच के स्क्वायर हो गया, पाँच से 25 गुने 125 कितना हो रहा है, 125, और ये जो है 102 जो रही थी कितना, 227, यानी 227 मेरा ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर आप थोड़ा और डिटेल से समझाइए, या जो भी प्रॉब्लम रहेगा आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन आप लोगों को समक्ष प्रोवाइड करवा सकूँ। चलिए दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, यानी संबंधित संख्या का चुनिए, छः को कैसे 210 लिखा है दोस्तों, उसी तरह आप जो है ना आठ को यहाँ पर लिखना होगा। अब देखिए छः को जो है 210 कैसे लिखा दोस्तों, तो छः को 210 इसने किस कैसे लिखा, इसने क्या किया, छः का क्यू कर दिया है, तो छः का क्यू जो करेंगे तो छः गुने छः कितना होगा, छः का 36 और 36 छः का कितना होगा दोस्तों, 216, ठीक है, 216 है, और क्यू किसका किया है, तो 6 को, तो 216 में से 6 को हम माइनस कर देंगे, कितना आएगा दोस्तों, 210। देखिए 210 आया,
210 है कि नहीं है, 210 है। तो चलिए अब इसको कीजिए, अब देखिए 8 है तो 8 का जो हम दोस्तों 8 का क्यू करेंगे, 8 का क्यू करेंगे तो कितना होगा, 8 × 8 × 8 ठीक है, 8 × 8 × 8 × 8 ठीक है। अब इसको गुना करेंगे, 64 और 64 8 कितना होता है दोस्तों, 64 8 कितना होता है दोस्तों, तो ये होता है दोस्तों कितना, 512 ठीक है। और 512 हम किसका क्यू किए थे, तो 8 का, तो 8 माइनस कर देंगे, 8 माइनस कर देंगे तो दोस्तों कितना है दोस्तों, 504। देखिए ऑप्शन नंबर 504 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 5 मेरा ऑप्शन नंबर बी में जो है 504 दिया हुआ है, तो यहाँ पर कितना संख्या आएगा दोस्तों, 504, तो मेरा ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों बी करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ में किस स्टेट से आप डर रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं वो ज़रूर जो है नाम ऐड कीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं आप लोगों को जो भी कमेंट करेंगे मैं उसका रिप्लाई तुरंत दूंगा। तो बस आज के लिए इतना है दोस्तों, अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी प्रेस जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर भेजिएगा दोस्तों। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि पीके मौज मस्ती चैनल पर मॉर्निंग के समय में 7 AM पे जो है ना दोस्तों आप लोगों को मैथ एक रोज़ और एक रोज़ रीडिंग का क्लास डेली बाई डेली आप लोगों को समक्ष मैं प्रदान करवाता हूँ। तो बस आज के लिए इतना है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ओके बाय।